أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب السادس، ستي مشكلة. أجيبني الأسئلة التالية وكان نجي ولي سوالوں کے جوابات دیں. تو فرسٹ سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس سودا منصوری. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. آپ نے اپنے حساب سے پھر جواب دینے. أين تسكنين؟ أين تسكنين؟ جو نیچے وہی بولیں گے، هل تسكنوا؟ نہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ أين تسكنين؟ نہیں پتا مجھے، میں نے آج کافی دن بعد کلاس جوائن کیا ہے. صحیح. أين تسكنين کا مطلب ہوتا ہے آپ کہاں رہتی ہو. اوکے. اور جب تک وہ ساتھ ساتھ کام نہیں کریں گی تو پوچھنا مشکل ہوگی آپ کو. نیکسٹ اسٹوڈنٹ پھر آ جائے خان. سوال ہے أين تسكنين، جواب کیا ہوگا؟ أسكنين في بيت. أسكن في البيت. پھر هل تسكنين في شقة؟ نعم، أسكنون في الشقة. هل تسكنين في بيت؟ نعم، أسكنون في بيت. نعم، أسكن في بيت. أسكن خمس. نعم، أسكن في بيت. پچھلے جواب آپ کی غلطی تھی، وہ میرے صحیح کی ہے. ریپیٹ کریں. نعم، أسكن في بيت. جی سر، ما رقم بيتك؟ سر مجھے اس کا جواب نہیں آیا. سوال کی سمجھ آئی ہے؟ ہاں کیا مطلب ہے سوال کا؟ مطلب تمہارے اپارٹمنٹ کا گھر کا نمبر کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے گھر کا نمبر کیا ہے؟ کہتے ہیں رقم بيتي خمسة. جی سر، ما رقم شقتك؟ جی مجھے اس کا مطلب نہیں سمجھا. آپ کے اپارٹمنٹ کا کیا نمبر ہے؟ کیسا بولے گا مجھے سمجھنا نہیں سمجھا. اس کا جواب ہے رقم و شکتی سلاسہ. جی میرے سر، اپارٹمنٹ کا نمبر 3 ہے. کم غرفة في بيتك؟ خمسة غرفة في بيت. خمس غرف في بيتي. خمس غرف في بيت. ويوم كيف بتجواب يوم كيف في بيتي خمس غرف. ريبيت كده. في بيتي خمس غرف. في بيتي خمس غرف. كم غرفة في شقتك؟ في شقة عندي في شقتي خمس غرف. اوكي في شقتي خمس غرف.
في أي دور نشق؟ मुझे इसका भी नहीं समझ रहा। अपार्टमेंट किस मंजिल पर है? ओके, अपार्टमेंट في دور الخامس خامس ओके في الدور الخامس. यहाँ तक हमने कहा नहीं, अलहमदुलिल्लाह इसको अब साथ साथ लिखने वाला भी काम करते हैं. आप लोगों ने लिखने हैं और मुझे चेक करवाना है. तो मैंने आप लोगों से कहा था एक्सरसाइज बुक प्रिंट कर लें. आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक मुझे होमवर्क सेंड किया हो? आयशा खान, सौदा मंसूरी, तलहा, जवाज. कौन सा मकसद? इस किताब की जो एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी है, कोई ऐसा है जिसने लिख कर मुझे सेंड की हो? एक खान स्टूडेंट की मुझे आई हुई है और बाकी आयशा खान आपने भेजी है? नहीं भेजी. नहीं भेजी। नहीं भेजी. सौदा मंसूरी? नहीं नहीं भेजी, नहीं भेजी। भेजी. अल्लाह रजाक? सर नहीं भेजी। नहीं भेजी. और ये जो आखिर में है, कोई जवाब नाम से? नहीं नहीं भेजी सर। भेजी. तो ये जो जिन्होंने नहीं भेजी ना, आप ऐसे सर अपने मालूम भाई. नहीं था। ठीक है, कोई नहीं. ग्रुप में आप लोगों को एक्सरसाइज बुक आई हुई है, वो आप लोग प्रिंट कर लेना. और जब तक आप लोगों लिखने वाला काम नहीं करते, आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा. और भी आप लोग ऐसा करें, बस क्लास को खाली सुन लें. ये जो एक बंदा है जिसने मुझे भेजी है, बल्कि खातून ने, ये भी खान के नाम से, ये पढ़ेंगे आज, आप इनको सुन लेना. अलविदा. अच्छा खान, आपका नाम तो मुझे है नहीं पता खान साहब. तो जो भी एक्सरसाइजेज हम इस बुक में करते हैं ना, जो जैसे ये एक्सरसाइजेज के आगे लिखने की जगह है, वो सारी आपने जी एक एक करके मुझे भेजती रहनी है साथ साथ. ठीक है. तदरीब अव्वल है उन जो वस्त में वक्रा, देखें और सुने और पढ़ें. जी खान, पढ़ें. बैत शक्का गुरफ हमाम गुरफा. गुरफा हमाम मतबख दौर सरी सरीर सितारा अरीका सज्जादा गुरफतन नौ गुरफत गुरफतु गुरफत नौ गुरफतन जुलूस जुलूस. तदरीब अल-ख़ामिस, पांचवी मशक, उन्ज़ुर वस्त में वक़्रा, देखें और सुने और पढ़ें. पढ़े खान. أسكن في شقة في شقتي ثلاث غرف شقة في الدور الأول أريك أريد مشاهدة الأساس. أريد مشاهدة الأثاث أريد مشاهدة المطبخ إن جملوں کا ترجمہ بھی کر دیا تھا. أسكن في بيت मैं घर में रहता हूँ अस्कुनु फी शक्का मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ फी शक्कती सलासु गुरफ मैं अपार्टमेंट
शक्ति अपार्टमेंट में तीन कमरे हैं। अपार्टमेंट में 3 कमरे, अपार्टमेंट पहली मंजिल पर है। मैं फर्नीचर देखना चाहता हूँ, मैं किचन देखना चाहता हूँ। गरीब उत्साह इस छठी मशक उन जरूरत में वकड़ा देखे और सुने और पढ़े। इस को पढ़े أحمد يسكن في شقة، شقة جميلة، شقة في حي المطار، شقة في الدور الثالث، في شقة الشقة في الدور الثالث، الشقة في الدور الثالث، في شقتي 5 غرف، في غرفة النوم، في غرفة النوم سرير، في غرفة الجلوس أريكة، في مطبخي فرن، في حمامي مراه. نیچے अभी والا بھی پڑھا सवालों ہے के जवाब देने आपने। جی. هل يسكن أحمد في شقة؟ क्या तुम रहते हो क्या क्या अहमद रहता है अपार्टमेंट में? क्या रहता है अपार्टमेंट में? नाम अस्कुनु नहीं, यस कौन? नाम यस्कुन अहमद في الشقة. هل يسكن في حي المطار؟ نعم يسكن في حي المطار. هل الشقة في الدور الخامس؟ اسمه بھی نام آئے گا نا سر. जी नहीं, फिर तो 5वीं मंजिल पे वो नहीं अपार्टमेंट ना, तो हम कहेंगे ला ला अशक्कतु फि दौर सालिस। لا الشقة في الدور الثالث. كم غرفة في شقة؟ في شقتي 5 غرف. أين الفرن؟ في المطبخ فرن. أين مرآة؟ في الحمام مرآة. أين سرير؟ في غرفة النوم سرير. أين أريكة؟ في غرفة جلوس أريكة، جلوس أريكة. इसमें राइटिंग का आप लोगों को बता रहा है, जब आप लोग लिखने का काम करेंगे तो उसमें जीम का आपने मेजर करना, इसका जो मुंह है ये लाइन से ऊपर हो, बाकी हिस्सा लाइन से नीचे हो, और ये सिस्टम हा और खा का भी के जो मुंह है वो लाइन से ऊपर होगा, बाकी सिस्टम नीचे। फिर जमीला, इसमें सारे लफ्ज जो हैं हरूफ हैं वो लाइन को टच करेंगे, कोई भी लाइन को नीचे नहीं होगा और सारे टच करेंगे। ये यहाँ पे ता लाइन से ऊपर है, ये गलत है, ये भी लाइन को टच करना चाहिए। सज्जादा, इसमें भी सारे जो है लाइन को टच करेंगे, ना तो कोई लाइन से ऊपर होगा ना ही कोई लाइन से नीचे होगा। सिराज भी सीन जो है वो लाइन को टच करेगा, अलिफ भी लाइन को टच करेगा, जबकि रा और जीम आधे लाइन से नीचे होंगे। हाई जो हाँ लाइन को टच करेगा और या जो है वो मतलब लाइन से नीचे होगा। फिर अलैकुम में
आइन, लाम, या, काफ, ये सारे लाइन को टच करेंगे ना तो लाइन से ऊपर ना ही लाइन से नीचे, जबकि मीम का मुंह लाइन के ऊपर इसको टच करेगा, बाकी सब लाइन से नीचे। मुअल्लिमा में सारे हरूफ लाइन को टच करेंगे ना तो ऊपर ना तो नीचे। दमू में दाल मीम लाइन को टच करेंगे, वाओ और आइन का मुंह लाइन को टच करेगा, बाकी लाइन से नीचे। हुरफ में गाइन और फा लाइन को टच करेंगे, जबकि रा जो है वो लाइन से नीचे होगा। मिस रेहाना, आपने वो किताब प्रिंट कर लिया? ठीक जी सर। है। और मिस मारिया, आपने किताब प्रिंट की है? ठीक नहीं की होता है। तो रेहाना, आप इस पहली लाइन के मतलब बताएं। स्नान असास है ये। मंडे असास असास फर्नीचर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर अभी नहीं की, ठीक हो गया वो आ जाएगी 1-2 दिनों तक इंशाल्लाह। अलिस इंशाल्लाह। अलिस्नान मंडे अलहद नईन, संडे अलिस्नैन मंडे अलहद संडे आखरा आखरा दूसरा सर एनदर, एक और अरा अरादा इरादा करना अरादा, वो यूरी चाहता था। अरादा वो चाहता था जी पास्ट में यूरीदा वो चाहता है। अल अरबा अल अरबा वेडनेसडे सर ठीक है। अरीका सोफा अय्यू कौन सा विच अय्या खिदमा खिदमा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अय्या खिदमा जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। बाई बाई खरीदना बेचने वाला, या बेचना सर जी बेचने वाला बाई सेलर बाब दरवाजा बाद सम बैत घर। सर ये तफद्दल का मीनिंग क्या है ना सर मेहरबानी बराए ब्रेल मेहरबानी यस, जी तफद्दल बराए मेहरबानी। अदखुल उदखल, उदखुल दाखिल दाखिल हो जाओ ठीक उदखुल। असलासा ट्यूसडे है। असलासा ट्यूसडे ठीक है सही सर। है। सल्लाजा फ्रिज जामिया यूनिवर्सिटी अलजुमा फ्राइडे जमीला खूबसूरत हई हई मतलब मोहल्ला, मोहल्ला कहा था ना जी सर। खामिस खामिस, फाइव खमसा पांचवा, खाम्स, जी पांचवा, ये फाइव, जी खामिस खामिस पांचवा और खाम्स पांचवा हिस्सा। खान, यस कोनू खमीस, अच्छा खमीस पांच जुमेरात, जुमेरा दखला दाखिल होना वो दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ यदखुल वो दाखिल हुआ वो दाखिल दौ हो रहा है। अच्छा दाखिल हो रहा है दौर मंजिल रकम नंबर असबत क्या है सर हफ्ता, अच्छा सितारा पर्दा
सज्जादा, सज्जादा, काली, खालिद, सखाना, गीजर, सरीर, पलंग, सकना, वो रहता था। वो रहता था। यस कुलून, यस कुलून, इसका नहीं मालूम सर। यस कुनु वो रहता है। शक्का, अपार्टमेंट, शुक्रन, शुक्रन, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। शही चीज, गुल्फ कमरा, गोरख कमरे, गुरफ कमरे, गुरफती, जुलूसी, लिविंग लिविंग रूम, रूम, गुरफत, गुरफत नौ, बेडरूम, फुरनन, फुरन, ओवन, और पी आई जी में किसमें, इसमें कम कितने नहीं। सर मुझे इसका नहीं मालूम किसका नहीं मालूम। लदा ये क्या लिखा है। लदा, पास, पास, मुआजिर, किराएदार, माँ, क्या मां माँ, नहीं, मां का मतलब नहीं, मिस रिहाना। जी सर, नेक्स्ट, माना पिया है वो तो नहीं होगा, माजा क्या, मिराट शीशा, मुस्ताजिर, मुस्ताजिर जो मालिक है, अपार्टमेंट का मालिक है, मुशाहिदा देखना, मुश्तरी, मुश्तरी खरीद, खरीदना सर, खरीदार, खरीदार, खरीदार। इस्मुल फाइल कहा जाएगा ना सर इसे, मुश्तरी, जी मतार, मतार, प्लेन सर, एरोप्लेन, एयरपोर्ट, 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 अच्छा मतार, एयरपोर्ट, मतबख, किचन, मिन फजलिक प्लीज। अलवाहदुर्रबाबिया, चौथा यूनिट, अलहयातुल योमिया, रोजमर्रा की जिंदगी। अलवाहदुर्रबाबिया चौथा यूनिट है, अलहयातुल योमिया, रोजमर्रा की जिंदगी। अंदाज़ सामिन वाले शुरून, 2800 सबक। अलहिवार अवल, पहला डायलॉग है, उन वस्त में वाहिद, देखे और सुने और दोहराए। तारिक मता तस्ते किस, आप कब जागते हो। अस्ते कि जो मैं जागता हूँ, इन दल फजरी फजर के वक्त। अस्ते कि जो इन दल फजर, मैं फजर के वक्त जागता हूँ। आईना कहाँ तुसल्ली, आप पढ़ते हो। अल-फजर फजर, आईना तो सलिल फजर, आप फजर कहाँ पढ़ते हो। उसली मैं पढ़ता हूँ, अल फजर आ फजर, फिल मस्जिद मस्जिद में। उसली फजर आ फिल मस्जिद, मैं फजर मस्जिद में पढ़ता हूँ। हल क्या तनामू, आप सोते हो बाद सलाती नमाज के बाद। हल तनामू बाद सोला, क्या आप नमाज के बाद सोते हो। ला ला अनामू बाद सोला, नहीं मैं नहीं सोता नमाज के बाद।
माजा क्या तफलू करते हो बाद सलाह नमाज के बाद, माजा तफलू बाद सलाह, आप नमाज के बाद क्या करते हो? अकराऊ मैं पढ़ता हूँ अल कुरान कुरान, अकराउल कुरान मैं कुरान पढ़ता हूँ, व मता और कब तजहबो आप जाते हो, इलल मदरसा स्कूल, व मता तजहबो इलल मदरसा आप स्कूल कब जाते हो, अजहबो मैं जाता हूँ असात असाबिया 7 बजे, अजहबो सात असाबिया मैं 7 बजे जाता हूँ, हल तजहबो क्या आप जाते हो बिस सैारा गाड़ी पर, हल तजहबो बिस सैारा क्या आप बजरिए गाड़ी जाते हो, ला अजहबो बिल हाफिला नहीं मैं बजरिया बस जाता हूँ। सर, जी ये क्या सामने वाले के लिए इस्तेमाल होगा ना? जी बिल्कुल الدرس الثامن والعشرون، الحوار الأول. انظر واستمع. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. अब आपने खान والآن आप جاء तारी की دورك. रियाना आप انظر तारी साथ साथ रिपीट واستمع करना. وأعد. जी सर. متى تستيقظ؟ ट्रांसलेट करना है सर. रिपीट करने है, सिंपल रिपीट जी करने है। मता तस्तयकिजू तस्तयकिज आप कब उठते हो? आप कब उठते हो? ओके हमारी आवाज आ रही सर अस्तيقظ आपको? عند الفجر. नेक्स्ट स्टूडेंट أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أين تصلي الفجر؟ آپ فجر کی نماز أصلي الفجر کہاں في پڑھتے ہیں؟ المسجد. أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہو؟ لا لا أنا مبعد الصلاة. لا أنام، لا، لا أنام بعد الصلاة. لا لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ أقرأ القرآن. أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ اور آپ سکول کب جاتے ہو؟ أذهب الساعة 7. أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ کیا آپ سکول گاڑی سے جاتے ہو؟ لا، أذهب بالحافلة. لا أذهب بالحافلة.
यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करेंगे। किसी का कोई सवाल? मा सलामा। मा सलामा।